फलोदी थाने में दर्ज 50 लाख की फिरौती की मांग के मुकदमे को गलत ठहराते हुए आरोपी पक्ष ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा और थाना अधिकारी राकेश खयालिया को ज्ञापन सौंप मामले की सही जांच करने की मांग की है। जवार प्याऊ निवासी किशोर सोनी ने साथरी की ढाणी पलीना निवासी जगदीश बिश्नोई तथा राजू मांझू के विरुद्ध 50 लाख की फिरौती मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। इस पर आरोपी पक्ष जगदीश बिश्नोई ने थानाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया है कि उसका और किशोर सोनी तथा राधेश्याम सोनी के साथ लंबे समय से लेन देन चल रहा है। उसने राधा किशन को खेतोलाई निवासी नरसिंह राम बिश्नोई से 42 लाख रुपए ब्याज पर दिलाए थे, लेकिन जब उससे पैसे मांगे तो झूठा मामला दर्ज करवा दिया। परिवादी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि उसके पास दो व्यक्तियों द्वारा कॉल किया गया और फिरौती के पैसे मांगे गए। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक के अनुसंधान में है कि दोनों पक्षों के बीच लेन देन का मामला है। आरोपी जगदीश बिश्नोई और परिवादी के मध्य पुराना लेन देन है। अब उस संबंध में हम और जाँच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया फिरौती का तो कोई मामला है नहीं, लेकिन दोनों के बीच चूँकि पुराना पैसे का लेन देन है और अभी तक के अनुसंधान में यह है कि परिवादी द्वारा उसके पैसे नहीं लौटाए जा रहे थे, इस संबंध में उसने उसको फ़ोन करके बार बार परेशान जरूर किया है।